हमारी संवाददाता पियाली मित्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, जो यहां तक पहुंची हैं ललित के बारे में, जिन्होंने जानकारी इकट्ठा की है। पियाली, और क्या डिटेल्स आपके पास है? आसपास के लोगों से आपने बातचीत की है, उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया? ये कैसी प्रवृत्ति का था, या डेढ़ साल से घर में ताला लगा, इसके पीछे कोई आया, या फिर ये अकेला ही रहता था? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको ये घर दिखा दूं। ये एक कमरे का एक घर है जो कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता में है, और इस घर में लगभग 4 से 5 साल ललित मोहन झा जो यहाँ पे रहते थे, और लगभग 1.5 साल पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ताला लगा हुआ है, और घर में ताला लगा के ललित यहाँ से चला गया। यहाँ के लोगों को जब हम लोगों ने फोटो दिखाया, तुरंत उन लोगों ने पहचान लिया कि यही ललित झा है जिनका नाम संसद केस में सामने आया है। और उनका ये कहना है कि ललित यहाँ पे खुद को शिक्षक परिचय देता था और बच्चों को पढ़ाने की काम करता था, पर उनकी जो एक्टिविटी था वो तो कुछ फिशी टाइप का था। ललित वाकई में कहाँ के रहने वाले हैं, कोलकाता के हैं या दूसरी कोई स्टेट से है, वहाँ से यहाँ आके किराए पे रह रहा है, इसके बारे में इलाके के लोगों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ललित लोगों से मिलता नहीं था, उनके साथ भी कोई यहाँ पे मिलने नहीं आता था। ललित यहाँ पे रहता था, और यहाँ पे एक घटना हुआ था किसी महिला को लेकर, उसके बाद ललित यहाँ से चला गया। फिर से मैं आपको ये घर दिखा दूं, ये वही घर है जहां पे 4 से 5 साल ललित यहां पे था, ललित झा, जिसका नाम एक पूरी जो संसद भवन में जो घटना हुआ उसके बाद से सामने आया। और उनकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट है जहां पे कल जब ये घटना हुआ वहां पे जो वीडियो पोस्ट किया गया था, और उसके बाद से नीलाकेश जो है उनका दोस्त है या उनका जो एड है, उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन सामने आया, उसके बाद जो जांच हो रहा था, इसी ललित झा का कोलकाता कनेक्शन मिला है। और ललित झा 1.5 साल पहले कहां यहां से चला गया था, वो किनके साथ उनकी उठक बैठक था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रही हैं, लोगों को भी ये नहीं पता था, इतने सालों से ये व्यक्ति यहां रहता था, खुद को शिक्षक बताता था, लेकिन लोगों में इस चीज को लेकर के शक था कि कुछ गड़बड़ है, जो ये बताता है वो ये है नहीं शख्स, और वही देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया पियाली।